अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन मिराम्स किचन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल सूप। और इसके लिए मैं जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ के जी जो है बोनलेस चिकन ले लिया और उसे हमने रफली जो है वो काट लिया था। और यहाँ पे हमने 2 अदद गाजर ले ली थी और उसको इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया था। इसी तरह से एक छोटी बंद गोभी थी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने हरा प्याज लिया है और पानी का इस्तेमाल करेंगे यखनी बनाने के लिए। और इसके अलावा हम 1 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए हैं जिनको मैंने बीट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और यहाँ पे हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने विनीगर ले लिया है। और यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने हॉट चिली सॉस ली है। 4 टेबलस्पून हमने सोया सॉस ली है। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून हमने डार्क सोया सॉस लिया है। और यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून हमने चिकन पाउडर लिया है। और बहुत ही थोड़ा सा हमने नमक लिया है क्योंकि सॉसेज में भी नमक है, इसलिए बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नमक ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने काली मिर्च पाउडर लिया है और 1 चिकन का क्यूब है, इससे भी यखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। और अब हमने इसमें अदरक जो है, अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट था वो ऐड कर दिया है जी। तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको इसी तरह भूनना है। जी तो यहाँ पे मैंने 2 जग पानी जो है वो इसमें डाल दिया है। आपने जिस हिसाब से या जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। और अब मैं इसमें हरा प्याज जो है शामिल कर दूंगी, आधा हम इसमें शामिल कर देंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे। देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है। और अब जैसे ही विसल हिलना स्टार्ट होगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे। और तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको कुक करना है और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। 10 मिनट के बाद हमने चूल्हे को बंद कर दिया था और विसल हटा दी थी। और जब गैस अच्छे से रिलीज़ हो गई तो हमने कुकर का ढक्कन हटा दिया। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी यखनी भी रेडी हो गई और जो इसे वेजिटेबल्स हमने इसमें डाली थी वो भी अच्छे से गल गई हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने चिकन इसमें शामिल किया था वो हमने निकाल लेना है। अलग एक बोल में हम निकाल लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, ये हम निकाल रहे हैं जी। तो चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं और चूल्हा जो था वो मैंने स्लो आंच पे कर दिया था। अब हम इसमें ये चिकन के रेशे डाल देंगे। स्टेज पे आप चाहें तो इसमें सॉसेस चेक कर सकते हैं, नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। नमक कम था वो मैंने ऐड कर दिया था और थोड़ा सा सिरका भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उनको अच्छे से बीट करके रखा हुआ है। अब हम थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक सादा पानी में, तकरीबन 1/2 कप पानी में मैंने 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लिए थे और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे और जितनी ये देखिए इस तरह से इसमें बॉयल आने चाहिए। और 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा चिकन एंड वेजिटेबल सूप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था। और आप इसको सॉसेस के साथ सर्व कीजिएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।